नान को इस तरह पानी लगा के गर्म करके खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। इस तरह का तो ताज़ा नान खाने का इतना मज़ा नहीं है जितना जो है ना सुबह सुबह नाश्ते में इसको पानी और घी लगा के इस नान को फ्राई करके खाने का। अच्छा जी, नान कहाँ से आए थे? नान जो है वो एक दिन पहले मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी तो उसके साथ मैंने अपने मियाँ कहा, मैंने कहा चाहे आपका पेट खराब है या जो मर्जी है, मैंने तो नान खाने, क्योंकि मेरा जो नानों के लिए प्यार है ना, नानों मतलब मेरी अपनी नानों और इन नान के लिए, इन नानों के लिए भी जो प्यार है ना वो मेरे घर वाले अच्छे तरीके से जानते हैं। तो खैर जी, वो जो है ना ले आए थे नान, और फिर अगले दिन सुबह मैंने कहा नाश्ते में मैं जो है ना ये गर्म करके खाती हूँ, साथ पराठे वगैरह बनाए थे, और मियाँ मेरे निहारी लेके आए थे क्योंकि मुझे निहारी बहुत पसंद है और अभी तक मैं हंट कर रही हूँ मुल्तान में, मुझे अच्छी निहारी जो है कैंट के अलावा और कहीं से नहीं मिली। अब कैंट सुबह सुबह कौन जाएगा निहारी लेने। तो खैर जी, ये मैं आपको साड़ने के लिए निवाले बना बना के दिखा रही थी ताकि आप लोग का भी दिल करे निहारी खाने का। अच्छा जी, बहुत मज़ेदार था खाना, और खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे, बस कुछ काम शाम कर रहे थे कि धूप निकली थी, अचानक से इतना प्यारा मौसम हो गया कि आजकल जो है ना मुल्तान समझे मरी बना हुआ है भाई, इस्लामाबाद बना हुआ है। जब देखो माशाल्लाह से जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है ना तो फ़ौरन ही अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है और बादल आ जाते हैं, और उसके अलावा ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। वैसे तो अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत सारे इलाकों में ज़्यादाबारी वगैरह हो रही है और बारिशों की वजह से बहुत फसलें तबाह हो रही हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, जितना अदा करें उतना कम है कि अपने घरों में बैठे हैं। हमें तो ये मौसम जो है वो अच्छा लगता है, और लोगों की अल्लाह ताला परेशानियाँ और जो है वो दूर फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और बस ये है कि गर्मी का जोर टूटा हुआ है, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो जाता है फ़ौरन ही। इतनी प्यारी बारिश हुई थी, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई और बहुत ही तूफ़ानी बारिश थी, तेज़ लाइट चली गई थी, और जो है ना जैसे मैं नहाने गई पानी ख़त्म हो गया था टेंकी में से, मैंने जो है ना वो इतने स्लोमो शॉर्ट्स इसके बनाए प्यारे प्यारे से, मैं कहा आज जो है ना मैं अपना ब्लॉग जो है वो बारिश बारिश कर दूँगी, मैं गिल्ला गिल्ला ब्लॉग कर देना सारा। तो खैर जी, ये जो है ना कुछ शॉर्ट्स वगैरह थी प्यारी प्यारी, और सर आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? वैसे आजकल बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिशें हो रही है, और अगर मुल्तान में बारिश ना भी हो तो भी मुल्तान में आजकल बारिश नहीं भी हो रही तो कभी हवा चलनी शुरू हो जाती है ठंडी, कभी आंधी वगैरह आनी शुरू हो जाती है, जिससे मौसम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। और जी, अब समझ नहीं आ रही थी कि दोपहर को क्या खाना है, तो ये आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा है लेकिन ये तकरीबन कोई 3-4 बजे का ही टाइम है, और इतना अंधेरा हो गया था बाहर, बारिश के साथ हल्की हल्की से ज़्यादाबारी भी हुई थी बारीक बारीक सी, लेकिन मैं ना वो मिस कर दिया। और ये देखें कितनी तूफ़ानी हवा चल रही है, और यकीन करें सारे घर के अंदर पानी आया हुआ था, कमरों तक सारे पानी आ गया था खिड़कियों से और दरवाज़ों से हवा की वजह से। फिर हमने बनाए पकोड़े क्योंकि जल्दी जल्दी यही बन सकते थे, और उसके बाद कुछ मीठा खाया, मीठे में मैंने खाया बिस्किट। और ये देखिए जी, बस बाहर निकला है, मैंने हमने कहा चलो मौसम ज़रा एंजॉय कर लेते हैं, बाहर तो नदी नाले बने हुए थे ना, अब सारे समंदर समंदर हो गया था, जानी ने रो रो के समंदर भर दिए थे, और हम लोग ने कहा, हमने कहा चलो जनाब किसी अच्छी जगह पर बैठ के कोई चिप्स चिप्स खाते हैं, सूप शूप पीते हैं। वैसे हम लोग निकले तो सूप ही ना थे क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैं कहा आगे फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, कोई पता नहीं होता इस तरह का मौसम जो है वो कितने दिन तक रहता है, तो हम लोग जो है वो सूप पीने चलते। इतना पानी था कि गाड़ी के अंदर भी पानी आ रहा था, मतलब गाड़ी के अंदर सीट्स में नहीं आ रहा था लेकिन उसके अंदर सिलेंसर के अंदर पानी जा रहा था, और गाड़ी जो है ना बड़ी बेचारी जो है ना जोर लगा रही थी चलने के लिए। खैर हम लोग जो है ना जिद्दोजहद करके निकल ही आए उसमें से, और ये चेक करें ना आप सीन, ये पानी जो है ना गाड़ी वाला वो फुल जो है पानी उड़ाता हुआ जा रहा है, उसको नहीं पता एक जो बेचारे मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं उनके ऊपर छींटे आ रही हैं, तो अपनी थोड़ी स्पीड स्लो कर ले। हम लोग तो बिल्कुल स्लो स्लो जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को जो है ना एहसास होता है इस चीज़ का। मुझे याद है जब हम लोग जो है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे, ये बेचारे इस बंदे की शर्ट चेक करें, वो तैयार शहर होकर कहीं जा रहा था, वो सारी शर्ट उसी खराब होगी। रॉयल ऑर्चर्ड पहुंच गए हैं। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे, हम जाते थे बाहर बारिश के दिनों में, और कोई गाड़ी वाला ऐसे शपक करके गुजर जाता था ना, तो इतना गुस्सा आता था कि भैया जानबूझ के इस तरह करते हैं क्योंकि गाड़ी में बैठे हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस लिए तौफीक दी हुई है तो काइंडली जो है वो दूसरे लोगों का भी ख्याल करें जो बेचारे मोटरसाइकिल और साइकिलों पर सवार होकर जा रहे होते हैं, उनकी तकलीफ का भी एहसास किया करें। अब वो बेचारा बंदा कहीं तैयार होकर जा रहा था और उसके सारे कपड़े बर्बाद हो गए। अच्छा जी, ये हम लोग जो है ना जरा इधर उधर कॉलोनी विजिट कर रहे थे रॉयल ऑर्चर्ड की, और घर देख रहे थे बड़े प्यार प्यार बने हुए थे, तो हमने सोचा कि एक घर जो है ना जरा विजिट कर लिया जाए। बाहर से बड़ा प्यारा उसकी जो है ना लुक थी और एलिवेशन बड़ी खूबसूरत थी उसकी विक्टोरिया स्टाइल की, तो हमने कहा चलो जी जरा अंदर से भी इसको देख लें, एवं लेना लूना तो हमने था नहीं लेकिन देख सकते हैं अगर। तो खैर ये वॉशरूम उसका बना हुआ था, टाइल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, काफ़ी अच्छा जो है ना खूबसूरत किस्म का उन्होंने नक्शा बनाया हुआ था। 12 मरले का ये घर था लेकिन यकीन करें कनाल लग रहा था, एक कनाल के जितना लग रहा था, और उस बंदे ने बिल्कुल भी जगह ज़ाया नहीं की हुई थी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसे सोच समझ के घर बनाया था, मतलब मैं तो फुली इंप्रेस्ड हो गई हूँ। और मुझे किचन इतना प्यारा लगा, इतना खुला खुला किचन, और अभी वैसे इनकम्प्लीट था घर, इनकम्प्लीट होने के बाद इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी निकलेगी। बस जी, फिर जो है ना हम लोग इधर उधर टमक टोकियाँ मारते रहे, घर देखते रहे, पूरा ऊपर गए थे, ऊपर भी जो है वो उसने ऐसे व्यू दिया हुआ था कि फुल
जो है ना ऊपर तक रूफ नजर आ रही थी, नीचे से खड़े होके ऊपर तीसरी छत नजर आ रही थी, और वहाँ पे बंदा कोई डेकोरेशन के लिए फानूस वगैरह लगाए, कोई आजकल तो बड़े प्यारे प्यारे जो है ना वो इस तरह के आए हुए चीज़ें जो आप जो है ना दरमियान में लटकाए, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही रॉयल सी लुक देता है। खैर घर की लुक वैसे ही बड़ी रॉयल सी थी, अभी तो जो है वो काफ़ी गंदा था क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी बहुत सारा काम इसमें रहता था। जब ये कम्प्लीटली जो है वो इसका काम खत्म हो जाएगा, फर्निश हो जाएगा, और उसके बाद जब इसमें फर्नीचर वगैरह रख देंगे तो फिर तो इसकी लुक क्या ही कहना है, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। खैर ये मैं सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने कौन सा ही घर लेना है। खैर जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना दिल कर रहा था सूप पीने का, तो फिर हम एक जगह पे आए, कोई समझ नहीं आ रही जहाँ जहाँ पता किया कहीं पे भी सूप अवेलेबल नहीं था, फिर ये यहाँ पे डेरा हक पे आए, और ये देखिए जरा तालाब तालाब बना हुआ है सब कुछ। ये मैंने ऐसे व्यू बनाया है, मैं जो है ना गई हुई पहाड़ी इलाकों में, और ये मैं झील किनारे बैठ के ना अभी सूप पीऊँगी, देखना झील दिखाऊँ आपको, ये देखें झील। अच्छा जितनी जो सिटिंग एरिया से सारे पानी से भरे हुए थे, और हम लोगों को कोई जगह ही नहीं मिली थी बैठने की, क्या कि उनको जो है ना हमने चेयर्स वगैरह लगवाई बाहर, क्योंकि इंडोर बैठने का तो मकसद तो आई नहीं कोई, हम लोग तो इन्जॉय ही मौसम करने गए थे, और फिर आउटडोर चेयर्स लगवाई, लाइट बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। खैर वहाँ पे जो है ना सूप अवेलेबल नहीं, तो फिर हम वहाँ से भी उठ गए और लाइट भी चली गई थी। हम लोग आज आगे जी उसके बाद फैबीज पे, फैबीज जो है ना वो नया बना है, कैफे स्टाइल एक रेस्टोरेंट है, बड़ा प्यारा बना हुआ है मुल्तान में। मैं मियाँ ने कहा कि चलो आज जो है ना ये एक नई जगह पे हम ट्राई करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा देसी और बारबेक्यू वाली साइड पे था मूड, और सूप का था, लेकिन थोड़ा सा हम खाना शाना घर से खा के भी आए थे, इस वजह से जो है ना भूख भी इतनी नहीं थी, और बच्चों की फरमाइश थी पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को तो हमेशा पिज़्ज़ा ही पसंद होता है, और जो लोग मुझे कहते हैं कि हर ब्लॉग में पिज़्ज़ा होता है, तो हर ब्लॉग में पिज़्ज़ा इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना एक्सट्रीम पिज़्ज़ा लवर्स है। खैर उसके साथ ही अल्फ्रेडो पास्ता एक ऑर्डर किया था, और इनका जो है ना एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त था, फ्लेवर भी अच्छा था, इनका एक एक्सट्रीम पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, और साथ में अल्फ्रेडो पास्ता था, पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों का टेस्ट अच्छा था, लेकिन ये मिंट मार्गरीटा जो है ना वो बहुत ही बकवास था, इतना फजूल मिंट मार्गरीटा मैंने अभी तक कहीं भी नहीं पिया, और मैंने उनको रिव्यू दिया है उसके साथ, मैंने कहा इसको प्लीज़ इम्प्रूव करें। खैर ये इसमें मशरूम्स डाले हुए थे, और बहुत ज़्यादा चीज़ी था, बहुत मज़े का था। खैर पास्ता किसी को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर मशरूम्स थे और ऑलिव्स थे, और बच्चे आपको पता है फिर वो नहीं खाते, बच्चों ने तो खैर पिज़्ज़ा शीज़ा ही खाया, सामने किसी की बर्थडे पार्टी हो रही थी, और बस ये हम लोग ऊपर रूफटॉप पे थे, और ये नीचे का है, नीचे भी सिटिंग थी, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, बलून्स वगैरह लगे हुए थे, और मौसम इतना अच्छा था कि वैसे ही हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी। लाइटिंग शाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, कमाल की लाइटिंग शाइटिंग की हुई थी उन्होंने। आजकल मुल्तान में ना इस तरह कैफे स्टाइल रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, और छोटी छोटी जगहों पे इतनी प्यारी डेकोरेशंस उन्होंने की हुई होती हैं, लाइटिंग और जो उनका सेटअप शेटअप होता है ना वो लगा के बैठ जाते हैं, और यकीन करें हर जगह ही चल रही होती है। यहाँ पे इतना रश था इस दिन, इतना रश था, एक मौसम अच्छा था, और वैसे भी इस जगह पे मैंने जितना कोई ग्रुप्स वगैरह में देखा है ना फूड ग्रुप में, तो इस जगह पे बहुत ही रश होता है, क्योंकि जारी बात है नई खुली है तो रश तो होना ही था। और फिर हम लोग खैर खाना शाना खा के बाहर निकले, और मैं आपको बाहर से उसकी एंट्रेंस वगैरह दिखा रही हूँ, और इसका नाम है फैबीज, और आप लोग अगर मुल्तान में रहते हैं तो लाजमी ट्राई करें, टेस्ट काफ़ी अच्छा है इनका, और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, एम्बियंस का तो खैर क्या ही कहने हैं, वो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और इसके सामने जो है ये टेस्टी जायका है, टेस्टी स्टूडेंट बिरयानी, पता नहीं क्या मैं बोली जा रही हूँ। अच्छा जी नीचे उतर आए थे, तो उसके बाद जो है ना इनको याद आया कि ओ हमने तो पिक्चर्स नहीं बनाई, तो ये फिर दोबारा ऊपर चढ़ गए पिक्चर्स बनाने के लिए। खैर तब तक जो है वो गाड़ी आ गई थी, फिर हम लोग जो है ना गाड़ी में बैठे, अभी रास्ते में फिर डिसाइड हुआ कि ना मीठा तो खाया ही नहीं, तो मीठे के बगैर क्या ज़िंदगी है भला बंदे की, तो मीठा खाने के लिए हम लोग गए फिर चिल बार की आइसक्रीम, आपको पता है वैसे ही दिल को बड़ी भाती है, और उनके दो फ्लेवर्स जो हैं उसमें से एक वनीला और एक चॉकलेट, बच्चे जो है वो चॉकलेट ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन मैं वनीला खाती हूँ, और सलमान तो आइसक्रीम खाता ही नहीं है, क्योंकि सलमान ने मीठा खाने से तौबा की हुई है, हालांकि फिर भी वजन वजन हमारा कम नहीं होता, लेकिन चलो। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं भी बच्चों के साथ जो है ना चॉकलेट फ्लेवर ही खाऊँगी, और साथ ये मोल्टन लावा और इसके साथ वनीला आइसक्रीम, ये बहुत मज़े का इनका। अच्छा जी खा पी के हम लोग घर आ गए थे, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जी अपने दोस्तों को अपने जानने वालों को मेरे चैनल का लिंक लाजमी भेजा करें, और सब्सक्राइब कराया करें। अल्लाह हाफिज़।